अच्छा है ना गौर? अच्छा, बहुत अच्छा है कासिम। आप इसे पैक कर दीजिए। लाइए। अब कितने का है ये? एक सेकंड मैडम। मैडम ये आपको 3,10,000 में पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे स्पेशल ऑफर चल रही है तो आपको 3,00,000 में पड़ेगा। बहुत बढ़िया पीस है मैडम, आप पैक कर दीजिए। एक मिनट कासिम, एक सेकंड। कासिम, 3,00,000 रुपए ब्रेसलेट में फंसाना सही नहीं लग रहा है ना? सोने में कभी पैसा फंसता नहीं है गौर, इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं है। थैंक यू। वेलकम। कितनी बार बोलूं मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूं। सर वो विद्या गुप्ता बार बार एक ही बात बोल रही है कि उसने कोई चोरी नहीं की, उसने कोई ब्रेसलेट या कुछ भी नहीं चुराया। सर लेकिन वो झूठ बोल रही है, वो ब्रेसलेट उसने ही चुराया है और पता नहीं क्या क्या चुराया होगा हमारे घर से। हाँ साहब, हमारी बिल्डिंग के और 4 घरों में काम करती थी वो, और सारे काम एक साथ छोड़ दिए उसने एक ही दिन में। ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी, पिछले 4 महीनों से हमारे घर में काम कम और चोरियाँ ज़्यादा कर रही है। पता नहीं कितने पैसे इकट्ठे कर लिए होंगे, सोच रही होगी अब काफ़ी टाइम तक काम ही नहीं करूँगी, बस ऐश ही करूँगी। ऐश तो अभी हम करवाएंगे उसकी। रेवती, ये विद्या गुप्ता मुँह नहीं खोल रही है ना, एक काम करो, कांस्टेबल आशा मोरे को बुला लो, उसने तो गूंगियों का भी मुँह खोला है। वर्षीय हाउसमेट विद्या गुप्ता पर यह आरोप था कि उसने गौहर और कासिम जाफरी के घर चोरी की थी, जहां वो पिछले 4 महीनों से बतौर नौकरानी काम कर रही थी। गौहर जाफरी के अनुसार विद्या गुप्ता की नजर पहले दिन से ही घर की कीमती चीजों पर थी। अरे गौहर बेन, कृष्णा बेन, वो आपकी भाई मंजू है क्या? है ना, क्यों, क्या हुआ? अरे कृष्णा बेन, वो मेरी बाई है ना विमला, वो अचानक ही काम छोड़कर चले गई। अब बाई के बगैर मेरा काम तो होगा नहीं ना। मुंबई में किसका काम बाई के बिना होता है? मैं अभी मंजू को बुलाती हूँ। मंजू, ए मंजू, जरा बाहर आ तो। नहीं गौर दीदी, मेरे से और एक घर नहीं हो सकता है, वैसे मुझे घर पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाती है। अरे पर जब तक मुझे कोई और नहीं मिल रही तब तक तो कर लेना प्लीज। मेरे से हो पाता तो मैं ही करती ना। मैं एक काम करती हूँ, विद्या को बुलाऊं क्या? कौन है विद्या? वो अपनी सोसाइटी में 3-4 घरों में काम करती है, मेरी पहचान की है वो। वो एक दो घर कर सकती है ऐसे मेरे को बोला है। काम में साफ सुथरी है? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है तो उसे जल्दी बुलाना, मुझे जमा तो आज ही काम पे रख लूंगी। आप रेडी हो गए? ये टिफिन। सुन विद्या, तू समझ गई क्या क्या काम करना है? हाँ मैम साहब, मैं सब समझ गई। क्या क्या बता? सुबह 9:45 तक काम के लिए साहब निकल जाते हैं और आप 9 बजे तक निकल जाते हैं। मुझे इधर 7:30 बजे आना है और 8:30 बजे तक काम निपटा कर चले जाना। ठीक है, देख पर तू लेट मत होना। हाँ नहीं मैम साहब। विद्या ये मेरी अम्मी है। अम्मी अभी कुछ दिनों के लिए आई हैं, वैसे तो घर में हम दोनों ही रहते हैं। चाचू मरूफ, तुम पार्किंग से गाड़ी निकलो, मैं चाय पी के आता हूँ। जी चाचू।
विद्या, टाइम फाइनल, पैसे फाइनल, और कुछ पूछना है? नहीं मैम साहब, काम शुरू करो। हाँ ठीक है, पहले बर्तन कर ले। ठीक है। से उसकी हमारे घर की सारी चीजों पर नजर थी। ज्यादातर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही पहनती हूँ, पर वो उन्हें भी टुकर टुकर देखती रहती थी। कासिम को रिस्ट वॉचेस का बहुत शौक है, और एक दिन तो उस विद्या ने हद ही कर दी। मस्त घड़ी है मैम साहब, कितने की मिलती है ऐसी घड़ी? अपने काम से काम रखा कर, समझी? जा यहां से। सब पिछले 4 महीनों से हमारे घर से चीजें एक एक करके गायब हो रही थी। एक गोल्ड की चेन नहीं है, दूसरा एक नेकलेस भी गायब है, और वो जो वॉचेस थी उनमें से एक है और एक नहीं है। उस विद्या पर तो मुझे हमेशा से ही शक था, पर जब भी उसे पूछो हमेशा मना ही कर देती थी। और कुछ बोलना है बोलो मैम साहब, चोर मत बोलो हमको। अच्छा तो तुझे चोर ना बोलो तो ये जो हर रोज नई नई साड़ियां तू लेकर आती है ये कहां से आती है? 4 दूसरे घरों में काम करती हूँ, ठीक ठाक कमा लेती हूँ, जहां मर्जी चाहे अपने कमाई खर्च दूं। मेरे घर से सोने की एक चेन गायब है, एक नेकलेस गायब है, एक रिस्ट वॉच गायब है, जिसे उस दिन तू प्यार से बड़े निहार निहार कर देख रही थी। और वैसे भी इस घर में बाहर वाली तो तू ही है। मैंने कभी कोई चोरी वोरी नहीं की और ना ही कभी करूंगी। घर का काम तो मैं मजबूरी में करती हूँ। मन तो करता है कि कंपनी में नौकरी करूँ, और जिस दिन कंपनी में नौकरी मिल गई ये घर के काम को राम राम। वाह वाह, और तब तक तू हाथ की सफाई करेगी नहीं? लास्ट टाइम बोल देती हूँ मैम साहब, अगर आपके घर से कुछ गायब हुआ है तो मैं उसका कारण बिल्कुल नहीं हूँ। मुझ पर ऐसा शक करना छोड़ दीजिए। चाचू आप तैयार हो गए? हाँ तू फटाफट गाड़ी निकल, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। जी। नेकलेस गायब हो गया, सोने की चेन गायब हो गई, कीमती वॉच गायब हो गया, सभी के लिए आपको विद्या पर ही शक था। किसी और पे शक हो भी नहीं सकता सर। अगर आपको पक्का शक था कि ये सारी चोरियां विद्या ने ही की है तो आप तभी पुलिस के पास क्यों नहीं आए? ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं थी, कीमती चीजें थी सर। मुंबई में एक वर्किंग औरत के लिए सबसे कीमती उसका टाइम होता है, और उससे भी ज्यादा कीमती होती है उसके घर पे काम करने वाली बाई। बाई एक दिन नहीं आती और पूरी जिंदगी उथल पुथल हो जाती है, और बाई का मिलना और उसका टिके रहना आसान नहीं है सर। लेकिन गौहर जी आज आपके पास काम वाली बाई नहीं है और आप ऑफिस भी नहीं जा पा रही है, क्या ये आसान है? खैर फिर क्या हुआ? फिर सर वो विद्या वो कैश भी चुराने लगी। जरा दरवाजा खोलो। जी सर। मारूफ वो गाड़ी पे थोड़ा कपड़ा मरना, आज साफ करने वाला आया नहीं। जी चाचू। मैडम कल जो आपको दूध का बिल दिया था। हाँ एक मिनट भैया, बस अभी लाती हूँ।
सर मैंने पैसे टेबल पर ही रखे थे, फिर वो वहाँ नहीं थे। मैंने और कासिम ने तो लिए नहीं, तो बचा कौन? साहब फिर गौहर चाची परेशान हो गई। मैंने कहा रुकिए मैं बात करता हूँ इस औरत से। मैंने बहुत प्यार से पूछा साहब, पर वो तो एक नंबर की डीट है। अरे विद्या की बच्ची, चाचू और चाची कुछ नहीं बोलते क्योंकि उनकी मजबूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि तू पूरा घर साफ कर दे। कल तक इस घर से जितना माल चुराया है वापस ले आना, नहीं तो तुझे बताऊंगा, समझी? उंगली नीचे करके बात कर, समझे? मैंने मेम साहब को बोल दिया है कि मैंने इस घर से कुछ नहीं चुराया है, और ये सब झूठ मूठ के इल्जाम ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अरे बोल तो ऐसे रही है जैसे कहीं की महारानी है। महारानी है कि तू? हाँ हाँ हूँ मैं महारानी। मेम साहब ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, बोल देती हूँ मैं आपके रिश्ते में, इसके लिए कुछ नहीं बोलती मैं। अच्छा क्या बोलेगी तू? चोर? क्या बोलेगी? फिर से बोल। चोर? फिर से बोल। चोर? रब का नहीं लगा, चुप हो जाओ दोनों। विद्या एक और लफ्ज मुंह से मत निकालना, सीधा किचन में जाओ और अपना काम निपटा। चाची मैं तो कहता हूँ जल्दी से कोई दूसरी काम वाली बाई ढूंढ लो और भगाओ इस बदतमीज को यहाँ से। जब तक इसकी चुराई सारी चीजें इसे वापस नहीं निकलवा लेती ना, तब तक मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगी। मारू तुझे पता है चेन नेकलेस और पैसों के अलावा इसने कितनी सारी हमारी कीमती कटलरी भी गायब कर दी। शकल से ही खानदानी चोर दिखती है, और पता नहीं क्या क्या चुराने का प्लान बना रखा है इसने। नजर रखो चाची इस पर, मैं पहले से बता रहा हूँ आपको। जब गौहर और कासिम का नया नया खरीदा 3 लाख का ब्रेसलेट गायब हुआ, तब पानी सर के ऊपर चढ़ गया। गौहर, कासिम और कासिम का भतीजा मारूफ सीधे पुलिस के पास पहुंचे। आपके घर से इतनी सारी कीमती चीजें गायब हो रही थी, फिर भी आपने वो ब्रेसलेट खुला ही छोड़ दिया, वो भी 3 लाख रुपए का। नहीं नहीं, हमने हाल ही में खरीदा था वो ब्रेसलेट, और वो बाकायदा लॉकर में था। सर हमें तो 2 दिन पहले ही पता चला कि वो ब्रेसलेट लॉकर में है ही नहीं, और आप उस विद्या की चालाकी देखी कि उसी सुबह उसने काम भी छोड़ दिया। मेम साहब मैं आपका काम छोड़ रही हूँ। काम छोड़ रही हूँ मतलब? मेरे को एक दूसरी नौकरी मिल गई है, बाकी के 4 घर के काम भी छोड़ दिए मैंने। कहाँ नौकरी लग गई तेरी? एक कंपनी में, बहुत अच्छा कंपनी है, वहाँ पगार भी अच्छा है। ऐसे भी घर का काम मुझे करना भी नहीं था, पहले कभी किया भी नहीं था, लेकिन मजबूरी में कर रही थी। मेम साहब अब आप कल से कोई और देखो और मुझे अपना हिसाब कर दो। देख विद्या तू ऐसे ये काम छोड़ कर जा नहीं सकती, जब तक इस घर से चुराई एक एक चीज उसकी जगह पर वापस नहीं आ जाती ना, तब तक तू यहाँ से हिलेगी भी नहीं। मैं तुझे बता देती हूँ। तो मैं भी बता देती हूँ मेम साहब, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं इतने दिन तक चुप बैठी, वरना पहले दिन ही जो आपने इल्जाम लगाया ना उसी दिन आपको सुना देती मैं, लेकिन मैं चुप रही। आपने मुझे कितने सारे ताने और पता नहीं क्या क्या सुनाया, बस अब और नहीं। आप मुझे मेरे पैसे दे रही हैं या नहीं? इतनी सारी चोरियां करने के बाद भी मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत हो गई तेरी? अब तू देखती जा, ना तो तू ये काम छोड़ेगी और ना मैं तुझे छोड़ूंगी, तुझसे एक एक पाई में वसूल करके रहूं। और उसके बाद वो काम पर आई ही नहीं। मैं एक फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट ढूंढ रही थी और तभी मैंने देखा कि ब्रेसलेट का बॉक्स खुला पड़ा था। कासिम, कासिम कहाँ गया? मुझे क्या पता। चाचू इसीलिए उस विद्या ने नौकरी छोड़ दी होगी। उसका तो फोन भी बंद आ रहा है। चाची आप चिंता मत करो, मैं देख कर आता हूँ बाकी घरों में जहाँ वो काम करती थी, किसी को कुछ तो मालूम होगा। पता लगा वहां भी बड़े बड़े हाथ मारे इस महारानी ने। चाची चाची उसने वही किया जो उसने कहा था, बाकी सभी घरों की भी नौकरी छोड़ दी, पूरी प्लानिंग की थी उसने। मतलब हमारी वो सारी चीजें, वो ब्रेसलेट, वो सब लेकर फरार हो गई? मैंने तो आपको पहले से ही कहा था, अब तो मुंबई छोड़कर पता नहीं किसी गांव वाँव में गुम हो गई होगी वो। ऐसे कैसे गुम हो जाएगी?
अरे वो दूसरी बाई जिसके थ्रू आई थी, क्या नाम था उसका? मंजू। हाँ तो चलो मंजू को पूछते हैं। विद्या तो मेरी चौल में रहती है, दत्तादीप चौल। कहाँ है तेरी चौल? निपारस विहार में। क्यों, क्या हुआ दीदी? अरे ये विद्या तो बहुत गलत निकली मंजू, तुझे मालूम नहीं था उसके बारे में? क्या किया उसने? चोरी की है। चोरी? गहने चोरी किए और पता नहीं क्या क्या। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, वो उसे मैं तो सालों से जानती हूँ। सालों से गलतफहमी तुम पाल के रखी हो। चलिए चाची अभी खबर लेते हैं उस चोर की। आइए। मेम साहब, साहब आप लोग इधर आइए, अंदर आइए। अंदर तो अब तू जाएगी, समझी? तू बीच में मत बोल। तुम लोग मेरे घर पे आए ना, मेरे को कोई तमाशा नहीं करने का है। साहब, मेम साहब बात क्या है? तुम वो सारी चीजें और ब्रेसलेट लौटा दो। साहब आप भी ये सब बातें कहने लगे? मैं बोल बोल कर थक गई। मैंने एक पैसा नहीं चुराया है, ना आपके घर से ना किसी के घर से। तो कहाँ गया वो ब्रेसलेट हा? और वो गहने और वो कैश? देख विद्या, चोरी तो तूने ही की है। तुझे क्या लगता है हम तेरे इलाके में खड़े तो डरते हैं क्या? तो क्या मैं डरती हूँ तुमसे मेम साहब? अब इज्जत विज्जत कुछ नहीं देखूंगी, उल्टा सीधा सवाल पूछा तो वैसे ही जवाब दे दूंगी, समझी? क्या जवाब देगी तू? क्या जवाब देगी तू? ए तू चुप कर, ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो ऐसा रख के दूंगी कि जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। चल निकल इधर से। साहब मैं हाथ जोड़ती हूँ, इसको लेके जाइए इधर से। हमारे घर से चुराई जब तक एक एक चीजें वापस नहीं ले लेते ना हम, तब तक तो हम यहाँ से हिलने वाले भी नहीं। तुम्हारी चीजें खुद तुमने ही चुराई है और फालतू की कालिक मेरे मुंह पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने किसी का कुछ चुराया ही नहीं है तो किसी से क्या डरना? मैं तो कहता हूँ सीधे पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस वाले ही उतारेंगे अब इसकी चर्बी। मिसेस गौहर जाफरी, हर बार देर से आने वाला दुरुस्त नहीं होता। आपका हमारे पास इतने देर से आने का लॉजिक सच कहूं तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल मुझे ये बताइए, ये विद्या गुप्ता कौन सी कंपनी में काम करती है? सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस विद्या को मुख्य आरोपी मान रहे थे। कंप्लेंट दर्ज करने वाले गौहर और कासिम जाफरी के घर से कीमती चीजें और गहने गायब हुए थे, और उसके तुरंत बाद विद्या ने ना सिर्फ उनके बल्कि अपने बाकी के घरों का काम भी छोड़ दिया था और एक कंपनी में नौकरी करने लगी थी। पुलिस सीधे उस कंपनी में पहुंच गई। यकीन ही नहीं हो रहा सर कि ये लड़की चोर निकलेगी, दो दिन भी नहीं हो उसे काम पे रखे। हम सबके कई चेहरे होते हैं मैनेजर साहब, पर जरूरी नहीं कि सबके सब असली हो। सच बोल रही हो? आप मुझे किधर लेके जा रहे हैं? आप मुझे किधर लेके जा रहे हैं? आप मेरी बात मानिए, एक मिनट मैडम मेरी बात सुनिए। मैंने आप किस आधार पर मुझे लेके जा रहे हैं? आपके पास कोई सबूत है? चलो मारूफ अपनी गाड़ी लेके आओ। चाचू आप चिंता मत करिए, पुलिस सही करेगी अब इस विद्या को। छोड़ी से, और तू इधर आके बैठ। साहब ये विद्या अपने शौहर से अलग हुई है, दो बच्चे हैं इसके, लेकिन विद्या के साथ नहीं रहते, विद्या की माँ के साथ रहते। शौकीन बहुत है साहब, हर रोज नई नई चीजें, खर्चा बहुत करती है अपने ऊपर। सवाल ये है क्या वो खर्चा चोरी के पैसों से करती है या खुद की कमाई से? कुछ बोला? एक दो घंटे और दो साहब, सब बोल देगी। मिलेगा टाइम, मिलेगा तुम्हें, लेकिन सबसे पहले इसका रिमांड एक्सटेंड करना पड़ेगा, जब तक हमें यह नहीं पता चलता कि इसने चुराई हुई चीजें बेची कहां है। सर अक्यूज पिछले चार महीने से कंप्लेनेंट के घर पे मेड का काम कर रही थी,
जहाँ से कुछ कीमती चीजें और सोने के गहने गायब हुए हैं। अक्यूज कोऑपरेट नहीं कर रही है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें एक हफ्ते की कस्टडी चाहिए। विद्या गुप्ता, तुम्हारा कोई वकील है? मैंने कुछ नहीं किया है साहब। कस्टडी ग्रांटेड। थैंक यू सर। देखो विद्या, जो भी हुआ जल्दी बोल दो, सबके लिए अच्छा होगा। मैंने चोरी नहीं की साहब। इसलिए एक ही दिन में सारे घर के काम छोड़ दिए तूने? साहब, कंपनी में 8 घंटे की नौकरी लग गई थी, घर का काम कैसे कर सकती थी साहब? मुझे घर का काम करना नहीं था। क्यों नहीं करना था? साहब, मेरे को मेरे दोस्त ने कंपनी में लगा दिया, उधर पैसा भी अच्छा मिल रहा था और वहाँ इज्जत भी ज्यादा है साहब। मुझे घर का काम पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि तेरी चोरी पकड़ी जाती थी। साहब, मेरी 2 लड़कियां हैं, छोटी छोटी, मैं उनके सर पर हाथ रखकर बोलने को तैयार हूँ साहब कि मैंने चोरी नहीं की। साहब, मैंने चोरी नहीं की। यहां कुछ हो सकता है? सर, गरीब का घर है, यहां सब कुछ टूटा फूटा ही होगा। खोद डालो। नहीं साहब, कुछ नहीं है। विद्या, तुम्हारा पति कहाँ है? वो मेरा पति था सर, अभी नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ रहता है। और तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? शिवबरन चाली में मेरी आई और 2 बच्चियां रहती है साहब। कुछ नहीं मिला। कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ। तो कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं। मेरी बेटी चोर नहीं है साहब। हर चोर यही कहता है कि उसने चोरी नहीं की है। विद्या अगर चोर होती तो हम किसी अच्छे घर में रह रहे होते। एक अकेली औरत के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती साहब। अकेले तो अब है वो, पहले तो शादीशुदा थी ना। पति कहाँ है उसका? विद्या कई सालों से उसे मिली तक नहीं है, उन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, उनकी शादी टूट चुकी है। पैसा सारे टूटे रिश्तों को जोड़ देता है सावित्री जी। पति का नाम और पता आप बताएंगी या बच्चों से पूछूं मैं? याद कर राकेश, जो गहने विद्या ने तुम्हें दिए थे वो कहाँ छुपा के रखे तुमने? साहब, मेरा विद्या से कोई लेना देना है नहीं, मैं भूल चुका हूँ उसे। पैसे की खुशबू मुर्दों को भी जिंदा कर देती है, तो फिर ये यादें क्या चीज है राकेश? चल बता, कहाँ बेचे वो गहने? साहब, मैंने कोई गहने नहीं बेचे। अब मेरे इस फटीचर घर में आपको एक पैसा तक नहीं मिलेगा। फिर गहने तो बहुत दूर की बात है। तो फिर विद्या ने कहाँ छुपा के रखे है गहने? छोटा मुंह बड़ी बात। एक बात बोलूं? बोल। साहब, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, विद्या जैसी भी हो चोरी कभी नहीं कर सकती।
उसकी नजर मेरे पान के डब्बे पे भी थी। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ गौहर, अपनी चीजें इधर उधर रखना। बचपन से तुम्हें कहती आई कि नौकरों की नीयत मत बिगाड़ो, अपनी चीजें संभाल के लॉकर में रखो। पर अम्मी वो ब्रेसलेट तो लॉकर में ही था ना। लॉकर में ब्रेसलेट नहीं, तुम्हारी अकल थी जो इतना सब होने के बाद भी तुमने उसे नौकरी पे रखा। अरे मैं तो पहले दिन ही उसकी नजर समझ गई थी, कहा था ना तुम्हें कि उसे नौकरी से निकाल दो। अब देखो कितना कुछ गवाया है तुमने। खून पसीना एक करके कमाओ और यूं गवाओ। चमारूफ आज गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है तो याद रखना, ठीक है? जी चाचा। खाले, मेरे बच्चे कैसे? पहले बता चोरी का माल कहाँ है, सब बताऊंगी। मैं बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने चोरी नहीं की। ज़्यादा नाटक मत कर, वरना बत्तीसी तोड़कर ना हाथ में दे दूंगी। फटाफट बता चोरी का माल तूने कहाँ रखा है, उसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा, समझी? मेरे पास कोई माल वाल नहीं है, कोई माल वाल नहीं है मेरे पास। देखो विद्या, हम तुम्हें आखिरी चांस देना चाहते हैं। अगर तुमने वो गहने लौटाए सारे के सारे, तो हम बात करके तुम्हारी सजा कम करवा सकते हैं। साहब जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो सजा किस बात की? विद्या फिर कभी ये मत कहना कि हमने तुम्हें मौका नहीं दिया था। हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते, पर तुम तो अलग ही मिट्टी की बनी। पर याद रखना ये लॉकअप है, यहाँ हर मिट्टी का घड़ा बनता भी है और लोहे का घड़ा टूटता भी है। विद्या कब तक सहन करती, कब तक चुप रहती? आखिरकार चोर और चोरी दोनों के पर्दाफाश होने का वक्त आ ही गया। सर, वो विद्या गुप्ता बोलने के लिए तैयार है। चलो। पागल है क्या तू, अकल नहीं तुझमें? पहले ही बोला था ना, बोल दिया सब कुछ सच सच, अब बोल रही है इतना मार खाने के बाद। चल बैठ इधर। चल बोल फटाफट। साहब वो गौर मेम साहब के घर से जो कुछ गायब हुआ है सब मैंने ही चुराया साहब। वो सोने की चेन, वो घड़ी, वो बर्तन, वो दूध के पैसे, सब कुछ मैंने चुराया साहब। ब्रेसलेट वो तो लॉकर में बंद था ना? वो भी मैंने ही चुराया साहब।
मेम साहब सच बोल रही थी, कासिम साहब सच बोल रहे थे, फारूफ भी सच बोल रहा था। वो चोर मैं ही हूँ साहब। वो चुराया हुआ सामान कहाँ है, कहाँ छुपा के रखा है? साहब मैंने वो सब बेच दिया साहब। पैसे कहाँ हैं? मैंने अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े खरीदे, अपने माँ के लिए भारी वाली साड़ियाँ खरीदी, उनके घर के लिए सामान भी खरीदा साहब। अच्छा अच्छा, अपने माँ और बच्चों के लिए तुमने कपड़े खरीदी की? वो होटल में भी पैसे खर्च हो गए, हम लोग मॉल में भी गए थे। वो गहने तुमने कहाँ बेचे थे, कौन से दुकान में? वो मुझे याद नहीं है साहब। हम याद दिला देंगे। कौन सा एरिया था, गहना बाजार, चोर बाजार, कहाँ? वो यहाँ नहीं है साहब, वो बहुत दूर है। मैं मुंबई के बाहर गई थी बस लेकर, कहाँ पता नहीं, बस गहने बेचे, पैसे मिले, आ गई और उड़ा दिया। जो ब्रेसलेट तुमने बेचा था उसके कितने पैसे मिले तुम? कुछ 22,000 मिले साहब। साहब आप गौर मेम साहब और कासिम साहब से बोलो ना कि वो केस वापस ले ले, मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ साहब। मैं लिख कर दे दूंगी, हर महीने 10,000 दे के सारे नुकसान की भरपाई कर लूंगी साहब। मेरी दो लड़कियां हैं साहब, वो टूट जाएंगी, क्या सोचेंगी, मुझ पे रहम करिए साहब, मुझे जेल मत भेजिए, मुझे जेल मत भेजिए साहब। विद्या ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सच, सब कुछ? जी हाँ सब कुछ, नेकलेस, चेन, घड़ी, क्रोकरी, दूध के पैसे और ब्रेसलेट, ये सारी चीजें उसी ने चुराई थी। देखा, और कैसे इतनी दिनों तक झूठ बोलती रही। मैं तो आपको पहले से ही कह रहा था चाची, वो औरत भरोसे के लायक ही नहीं है। हम लोग उसे कोर्ट में पेश करेंगे, जज उसे जुडिशियल कस्टडी दे देंगे, वहां से उसे बेल हो सकती है। सजा नहीं होगी क्या उसे? और उसने जो हमारी चीजें चुराई है वो कब वापस मिलेंगी हमें? विद्या ने कहा कि उसने सारी चीजें बेच दी है और जो पैसा आया था उसने खर्च कर दिया। तो अब वो कह रही थी कि एक बार उसकी अगर बेल हो जाती है तो वो हर महीने 10,000 का इंस्टॉलमेंट आप लोगों को देने के लिए तैयार है। वो कहां से लाएगी इतने सारे पैसे? पता चला कहीं और से चुरा कर आपको दे रही है पैसे। वो लोग चोरी करते ही क्यों है, दो छोटी छोटी बच्चियां हैं उसकी, बैठे बैठे जिंदगी खराब कर दी उसने। सर हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है और अक्यूज ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। विद्या गुप्ता को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विद्या गुप्ता को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने चोरी नहीं की साहब। विद्या अगर चोर होती तो हम किसी अच्छे घर में रह रहे होते। साहब आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, विद्या जैसी भी हो चोरी कभी नहीं कर सकती। विद्या ने मुंह खोलने के लिए 6 दिन लगाए। जी सर, काफी मंजीवी खिलाड़ी लगती है। इतनी मंजीवी खिलाड़ी है कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है। ज्यादातर हमने देखा है कि मामूली पॉकेटमार हो या अंडरवर्ल्ड का गैंगस्टर, रिमांड में लेते ही 1-2 दिन में मुंह खोल देते हैं। ये तो पहली बार लॉकअप में आई थी, और औरतें तो सबसे पहले मुंह खोलती है।
सर, इस हिसाब से तो उसे पहले दिन मुंह खोल देना चाहिए था। लेकिन उसने मुंह खोलने में 6 दिन लिए, क्यों? सर, सच बोलूं तो मुझे लगता है कि हमने उसके साथ काफी सख्ती दिखाई। उस आशा मोरे ने तो मतलब काफी तोड़ा उसको। रेवती, क्या तुम्हें लगता है कि मार से बचने के लिए उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया होगा? सर, वो 5 दिन तक आंखों में आंखें डालकर बस एक ही बात बोलती रही कि उसने चोरी नहीं की। फिर एक रात अचानक पिटाई के बाद सब कुछ कबूल कर लिया। यस, आंखों में आंखें डालकर। उस औरत की आंखें, उस औरत ने एक बार भी नजरें नहीं चुराई। शायद उसने चोरी नहीं की है, शायद। लेकिन सर, फिर चोरी किसने की होगी? घर में उन तीनों के अलावा कोई भी नहीं था, और उसने तो सामने से अपना जुर्म कबूल किया। यही तो प्रॉब्लम है, उसने जुर्म कबूल किया है लेकिन वो कंडीशन के साथ। वो हर महीने गौहर और कासिम को 10,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट देगी। इसका मतलब वो मान रही है कि उसने चोरी की है, तभी तो वो पैसे देने के लिए तैयार हुई है। और अगर उसने चोरी नहीं की है तब भी इतनी बड़ी रकम कमा कमा कर वो गौहर और कासिम को क्यों देगी? शायद इस केस का कोई तीसरा एंगल हो। हो नहीं है, इसलिए केस अभी बंद नहीं हुआ है। मुझे लगता है असली चोर विद्या नहीं है। दस मिनट है आपके पास? जी, वो मैं और कासिम ऑफिस ही जा रहे थे। बताइए क्या बात है? कुछ देखना था। क्या देखना है? सर, मैंने पैसे यहाँ इस मैट के नीचे ही रखे थे। आप कहाँ थी? मैं बेडरूम में थी, पर विद्या यहाँ आसपास ही थी। और आप कहाँ थे? जी, मैं शायद न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आप किसी काम से उठे थे? हाँ, शायद एक बार मैं अपने भतीजे मारूफ को चाबी देने के लिए उठा था, लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं गया, मैं यहीं पर था। यहाँ हम अपनी सारी कीमती कटलरी रखते हैं मेहमानों के लिए, पर इनमें से भी आधे से ज़्यादा गायब हैं। और सर, ये यहाँ मैं अपनी चेन, नेकलेस, ज्वेलरी सब रखती हूँ। कासिम भी अपनी वॉचेस यहीं रखते हैं। और वो ब्रेसलेट, वो कहाँ से उठाया था उसने? सर, वो ब्रेसलेट इस बॉक्स में था। उसने जब ब्रेसलेट उठाया था, लॉकर खुला छोड़ा होगा आपने? नहीं सर, इनफैक्ट मोस्टली हम ये लॉकर खोलते ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर के पेपर्स, बैंक के पेपर्स, पासपोर्ट सब इसमें ही होते हैं। तो ये लॉकर की चाबी आपने शायद विद्या को दी होगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। करेक्ट, जब आपको पता है कि औरत चोरियां करती है तो आप लॉकर की चाबी उसे देंगे ही नहीं। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने कभी विद्या को चाबी दी नहीं, और ये लॉकर तोड़ा नहीं, बाकायदा चाबी से खोला गया है। अगर विद्या ने ब्रेसलेट चुराया है तो उसके पास चाबी आई कहां से? जरूरत पड़ी तो दोबारा आऊंगा। कुछ कुछ चीजें अब क्लियर हो रही है ना? ये केस अभी खत्म नहीं हुआ था, शायद अभी शुरू ही होने जा रहा था। सारे धुंधले सुराग, सारे अधूरे सबूत इशारा कर रहे थे विद्या की तरफ। लेकिन विद्या क्या महज एक मोहरा थी या शायद खुद एक विक्टिम थी? अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाने वाली थी? मुख्य आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया था, लेकिन पुलिस को उस कबूल नामे पर शक था। पुलिस ने किस तरह से असली चोर को पकड़ा, ये हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।